मेरे प्यारे तिब्बती दोस्तों और उनके भारतीय समर्थकों, आज जो तिब्बतन यूथ कांग्रेस यानी तिब्बती युवा कांग्रेस यहाँ जो प्रदर्शन कर रही है, उसका जो मेन थीम है वो है तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये समझिए कि एक मूल मंत्र है जो इस वक्त एशिया की हालत है, जो भारत की स्थिति है, जो तिब्बत की स्थिति है, जो चीन के रिश्ते हैं भारत और चीन के साथ, ये नारा उसकी परिभाषा करता है। 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, लेकिन उससे ठीक पहले 1949 में चीन ने एक और देश पर भी कब्जा किया था जिसको हम भूल गए, वो था रिपब्लिक ऑफ ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको चीन ने नाम दिया शिनजियांग। 1949 में पहले तुर्किस्तान पर चीन ने कब्जा किया और 2 साल के भीतर उसने तिब्बत पर कब्जा किया, और बदकिस्मती से ये दोनों जो हमले हुए, दोनों कब्जे हुए, वो आजाद हिंदुस्तान के आंखों के सामने हुए। हमारे नेता जो पिछले 200 साल से हमारी कितनी पीढ़ियां आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, हमें समझ में नहीं आता कि वो देख ही नहीं पाए कि जिस लड़ाई को हमने कई 100 साल लगाए जीतने में, ठीक वही हमारी आंखों के सामने 2 देशों में हो रहा है, इस तुर्किस्तान में और तिब्बत में। लेकिन बदकिस्मती से दूसरे देशों ने उनकी मदद नहीं की। आज नतीजा ये है कि भारत के दूसरी तरफ हिमालय के उस पार जो एक आजाद देश तिब्बत था, 1951 के बाद वो एक गुलाम देश बन गया है, चीन का हिस्सा बन गया है। हमारे हिंदुस्तानी दोस्त याद हमेशा याद करते हैं उस गीत को जो इकबाल साहब ने लिखा था, और उसमें कहा था हिमालय की तारीफ करते हुए कि वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा, ये हिमालय के बारे में कहा था कि वो भारत का संतरी है, भारत का रक्षक है। लेकिन हम लोग तब समझ नहीं पाए कि वो हिमालय भारत का रक्षक इस वजह से था क्योंकि हिमालय के उस पार तिब्बत था, और तिब्बत एक आजाद देश था, शांत देश था। हमारी जो 4000 किलोमीटर लंबी सीमा थी तिब्बत और चीन के बीच, तिब्बत और भारत के बीच, ये 4000 किलोमीटर की भारत तिब्बत सीमा दुनिया की सबसे शांत सीमाओं में से थी। पूरी सीमा पर मुश्किल से शायद 100 सैनिक भी नहीं थे 4000 किलोमीटर में। जितना व्यापार होता था वो या भारत की करेंसी में होता था या तिब्बत की करेंसी में होता था। दोनों तरफ डाक जो लेना देना होता था पोस्टल, वो या तो भारतीय डाक जाती थी या तिब्बती डाक जाती थी। चीन का कोई रिश्ता नहीं था, चीन का कोई प्रतिनिधि उस तरफ नहीं था। 4000 किलोमीटर की सीमा पर 1 इंच जमीन पर सैकड़ों साल से, हजारों साल से, एक दिन के लिए भी कहीं पर भी भारत चीन सीमा नहीं थी, वो भारत तिब्बत सीमा थी। लेकिन एक रात में ही चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके इसको भारत चीन सीमा बना दिया, और आज नतीजा ये है कि चीन ने तिब्बत को अपनी छावनी बना दिया है। वहाँ सड़कों का जाल बिछा दिया है, फौजी छावनियां बना दी हैं, फौजी अड्डे, हवाई अड्डे बन गए हैं, इवन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वहाँ लग गई है, रेलवे वहाँ आ गई है, और भारत के लिए खतरा लगातार कई कई गुना बढ़ रहा है। पिछले दिनों से जो आप डोकलाम की बात सुन रहे हैं, सिक्किम के उधर पार, भूटान के जिस हिस्से पर चीन ने जबरदस्ती सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत की सेना उसको रोक रही है, उसकी एक सच्चाई हम कोई बात नहीं कर रहा है कि वो तिब्बत, वो इलाका तिब्बत है जहाँ चीन की सेना खड़ी हुई है, और
तिब्बत चीन के गैर कानूनी कब्जे में है, हम सारी बहसें कर रहे हैं, कोई भी चीन सरकार को ये नहीं बताना चाहता कि ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है क्योंकि चीन ने गैर कानूनी तरीके से तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि चीन की सेना गैर कानूनी तरीके से तिब्बत में डोकलाम में आकर खड़ी है और वो भूटान के लिए भी समस्या कर रही है, भारत के लिए भी कर रही है। आप भी दिल्ली चलिए और हम भी। तिब्बत का इस्तेमाल चीन सिर्फ सैनिक छावनी की तरह नहीं कर रहा है। 1951 के बाद उसने जो तिब्बत की जनता पर वहाँ अत्याचार किए हैं, वहाँ लाखों की संख्या में चीनियों को लाकर बसा दिया है, उसकी वजह से आम तिब्बतियों के मानवाधिकार बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो अक्सर कहा करते हैं कि तिब्बत की आजादी के लिए आम हिंदुस्तानी को तिब्बती भाइयों के मुकाबले ज्यादा जोर से लड़ना चाहिए, क्योंकि तिब्बत को तो आजादी मिलेगी लेकिन हमें शांति मिलेगी, हमें सुरक्षा मिलेगी, भारत के जो आर्थिक हित हैं, सैनिक हित हैं, राजनीतिक हित हैं, उनको फायदा होगा। इसलिए जब तिब्बतन यूथ कांग्रेस जैसा संगठन ये नारा लगाता है कि तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा है, तो मुझे लगता है कि वो अपने लिए भी कह रहे हैं और शायद भारत के हितों के लिए इससे कहीं ज्यादा कह रहे हैं। और यही वजह है कि मेरे जैसे मित्र ये मानते हैं भारतीय उन्हें तिब्बतियों के मुकाबले ज्यादा उत्साह दिखाना चाहिए तिब्बत की आजादी के लिए। मेरे हिसाब से ये जो रिश्ता है भारत और तिब्बत का, ये दोस्ती का भी रिश्ता है, साझे हितों का भी रिश्ता है। और मैं ये कहूँ कि हमें, अगर हम भारतीय बिल्कुल स्वार्थी होकर ये सारे इशू को देखें, तो हमारे स्वार्थ के हिसाब से भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि तिब्बत आजाद हो, चीन तिब्बत की जमीन से बाहर जाए, आम तिब्बती जो है वो खुली सांस में, आजादी की सांस, हवा में सांस ले सके, इससे भारत की सुरक्षा बढ़ जाए। तो इन शब्दों के साथ मैं तिब्बतन यूथ कांग्रेस और हमारे जो सब ये दोस्त मजनू का टीला से आए हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, आप लोग जो ये आंदोलन चला रहे हैं, मैं भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी ये लड़ाई जो है वो हमारी भी लड़ाई है और इसमें जो आम हिंदुस्तानी है वो पूरी हिम्मत के साथ, पूरे दिल के साथ आपका साथ देगा। जय भारत, जय तिब्बत।